इसमें इस बैटर में मैंने डाला है क्रैनबेरी, वॉलनट, कैशियूज, व्हीट फ्लावर, जौ, दैट्स इट। इसी के साथ क्रैनबेरी डम्पलिंग्स का बैटर रेडी कर लिया है मैंने। और अब इस कढ़ाई में जब ऑयल हो गया है तो अब इसमें मैं डालूँगी। ये बहुत ही वाकई में टेस्टी होते हैं खाने में भी और न्यूट्रिशियस भी बहुत होते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल आउटकम। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं, ये बहुत ही यम होते हैं खाने में। मैंने आटे और मैदा का यूज़ किया है। आप चाहें तो सिंपल मैदा या सिंपल आटा या जौ का आटा यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंगली एज पर योर टेस्ट एंड चॉइस। सो हे गाइस, दिस इज़ माय फाइनल आउटकम। और ये देखने में भी यमी है और ये खाने में भी बहुत यमी होते हैं। सो डू ट्राई इट एंड गिव मी फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बाय, टेक केयर।